देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मरचुला के पास एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। घटनास्थल पर चीख पुकार मची हुई है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मारचुला इलाके के पास सोमवार को यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई। बस में 55 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसएसपी अल्मोड़ा मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। घटनास्थल पर बचाव अभियान चल रहा है। हादसे में 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार बस नैनी डांडा के केनात से रामनगर जा रही थी। जैसे ही बस मारचुला के पास पहुंची तो सारण बैंड के पास नदी में गिर गई। बस के नदी में गिरते ही चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बस से छिटक कर नीचे गिर गए। घायल लोगों ने ही जानकारी दूसरों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाया। घायलों को अस्पताल ले जाने का काम किया गया। बस सवार 38 यात्रियों की मौत हो गई है। नदी में लाशों का ढेर लग गया। चारों ओर भयावह मंजर था। मुश्किल से बस के अंदर फंसे शवों को निकाला गया। शुरुआती जानकारी मिली है कि यूजर्स कंपनी की बस है। बस 42 सीटर है, लेकिन 55 से अधिक यात्री बस में सवार थे। सड़क हादसे पर दुख जताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद अल्मोड़ा के मारचुला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से कार्य कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में बस हादसे पर सचिव आपदा प्रबंधन, आयुक्त कमाऊ मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश भी दिए। डीएम देहरादून को भी रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख के लिए विशेष रूप से वहां भेजा जा रहा है। एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। रेस्क्यू और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा से संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ परिवर्तन को निलंबित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए तथा घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आयुक्त कमाऊ मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअल्टीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी
और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और आयर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी SDRF की टीम है, SDM प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर यहाँ युवा पहुँचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता यहाँ सपोर्ट के लिए पहुँची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है, तो ये यहाँ पे अच्छा